आइए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्लैटिनम रिवॉर्ड्स कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की। यह कार्ड बिना किसी डॉक्यूमेंट के वीज़ा नेटवर्क पर इशू होता है। इस कार्ड को लेने के लिए 250 रुपये की वन टाइम फ़ी देनी पड़ती है, जो नहीं देनी पड़ेगी अगर कार्ड लेने के 30 दिनों के अंदर 500 रुपये तक का ट्रांजेक्शन किया जाएगा। इस कार्ड में ज्वाइनिंग बेनिफिट के नाम पर कार्ड ज्वाइनिंग फ़ी पे करने पर 90 दिनों के अंदर रेस्टोरेंट्स में ट्रांजैक्शन पर 100% कैशबैक मिलता है, जो मैक्सिमम 500 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड से डाइनिंग और फ्यूल पर हर 150 रुपये की स्पेंडिंग करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स और अदर कैटेगरीज पर स्पेंडिंग करने पर 1x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं चार्जेस की। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर GST अलग से लगेगा, जो 18% है। इस कार्ड में हर दूसरे साल से 500 रुपये की एनुअल फीस देनी होगी। इस कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे करते हैं तो 299 रुपये का, और अगर चेक के थ्रू जमा करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इसमें अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम 300 रुपये या ट्रांजेक्शन अमाउंट का 3% तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड के यूज बैलेंस पर 3.75% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 45% होता है। इसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड 20 से 50 दिन तक का मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज क्लियर होंगे। इसमें अगर बिल 100 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 100 रुपये से ज़्यादा का है तो 100 रुपये से 1200 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजेक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर कम से कम 500 रुपये का चार्ज कटेगा या ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% देना होगा। इसमें पेमेंट डिसऑनर होने पर कम से कम 500 रुपये का चार्ज देना होगा। इसमें जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस देनी पड़ती है, जो 99 रुपये पर रिडेम्पशन है। इसमें रेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग पर 1% तक का चार्ज पड़ता है। अगर क्रेडिट कार्ड से रेलवे ट्रांजेक्शन करेंगे तो 25 रुपये या ट्रांजेक्शन अमाउंट का 2.5%, जो भी ज़्यादा हो, का सरचार्ज देना होगा। वहीं पेट्रोल ट्रांजेक्शन करने पर मिनिमम 10 रुपये या ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% तक का अमाउंट, जो भी ज़्यादा हो, का सरचार्ज देना पड़ेगा। इसमें फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी 3.5% है। इसमें डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% है। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्लैटिनम रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यह कार्ड सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है, जिसमें ठीक ठाक कैशबैक ऑफर्स मिल जाते हैं। इसमें एनुअल फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, इसलिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं और काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।